Hello bhai, good morning. So today we are going to start gravitation. Okay, gravitation chapter अपने आप में बहुत important chapter है 11th class का, जो कि NEET में एक अच्छा weightage रखता है, और weightage है almost 2 questions का. Question का जो weightage है बेटा, करीबन 2 questions के weightage, 2 question इसमें से confirmly आते हैं. Number of questions कितने होंगे इसमें? Number of question होंगे 2. Okay? आप ये मान के चलिए कि आप इस चैप्टर को छोड़ किसी भी कीमत पे नहीं सकते हो. अगर आप कोशिश करते हो कि आप ये सोचते हो कि मैं इस चैप्टर को छोड़ दूं या फिर ब्लॉक ये कर दूं, तो फिर आप गलत फहमी में जी रहे हो. आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दो क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है. आप लोग किस तरीके से तैयारी करते हो? आप लोग क्या करते हो? आप लोग अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हो, बहुत एफर्ट लगाते हो चीज़ें के अंदर, आप घुस जाते हो, आप कॉन्सेप्ट उठा करके उन पे बेस प्रॉब्लम करना सॉल्व कर देते हो, करना चालू कर देते हो. लेकिन देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास जो एनसीईआरटी है, जिसको आपने ग्रंथ माना हुआ है, आपने बाइबल माना हुआ है. कुछ बच्चों ने माना है, कुछ बच्चों ने डीसी पांडे को माना है, कुछ बच्चों ने एचसी वर्मा को माना हुआ है. लेकिन देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमारे पास जो एक बेसिक चीज है, एक बेसिक हमारे पास जो बुक है वो है टेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी. एनसीईआरटी ने एक और बुक निकाल रखी है, उसका नाम है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज रखती है. एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए और आप लोगों को बताया जाए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से हमें उनको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करके उसको कंप्लीट करके उसको एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है. देखो क्या होता है, एनसीईआरटी के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो तो आप सब जनरली सॉल्व करके बैठे होते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एनसीईआरटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है, आपके उसके एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम्स हैं, वो तो आप सॉल्व कर ही लेते हो. लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने दूसरी जो बुक निकाली हुई है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के नाम से, वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम. एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेसिस पे ही निकाली गई है, और बहुत सारे बच्चे उसको सॉल्व भी करते हैं, प्रायोरिटी रखते हैं उसको. लेकिन कुछ बच्चे हैं जो उसको सॉल्व नहीं करते, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो सोचते हैं कि डीसी पांडे हम सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा. देखो एनसी आपकी जो नीट लेवल के एग्जाम के लिए डीसी पांडे बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, बहुत अच्छी. उसके अगर आप थ्योरी पढ़ लो तो आपका काम हो जाता है, आप क्वेश्चंस कहीं से भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन अगर आप बात करते हो पर्टिकुलर किसी बुक की जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एनसीईआरटी से बेस्ड, एनसीईआरटी से अलग कोई और बुक नहीं है जो बेटर ना हो. ओके, सो मैंने आज स्टार्ट किया है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं. हम बैक टू बैक जितना टाइम मिलेगा हम सॉल्व करते जाएंगे, इजीली सॉल्व करेंगे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है. आपने ग्रेविटेशन चैप्टर रैपिड रिवीजन में पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं वहां तक के अप्रोचिंग लेके जाऊं. ठीक है, तो मेरा काम बस इतना सा है कि मुझे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है और आप के जो डाउट्स हैं वो क्लियर करवाने हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट जो अधूरे हैं उनको कंप्लीट करना है. इज दैट क्लियर बेटा? तो आप लोग बने रहो, जुड़े रहो और देखते रहो यहाँ पर किस तरीके से चल रहा है चीजें. ठीक है, तो मेरे पास ग्रेविटेशन जो चैप्टर है, ग्रेविटेशन के अंदर बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से. आप लोगों को पता है एक एक कॉन्सेप्ट आपके फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है. फर्स्ट चैप्टर कौन सा? आपका 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे के सारे रिपीट होते हैं ग्रेविटेशन के अंदर. वही लॉ है, वही इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड करती हैं चीजें. हाँ, थोड़ा सा वहां पर रिपल्शन अट्रैक्शन का फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन अट्रैक्शन का है. यहाँ वहां पर दो चार्जेस की बात करते हैं, यहाँ पर दो मासेस की बात की जाती है. इनवर्स कॉइल वैलिड करता है, फोर्स वहां पर कूलम्बिक है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स. चीजें सब कुछ सेम है, पोटेंशियल, ऑल थिंग्स आर सेम. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा? अट्रैक्टिव नेचर है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल आपका फोर्स है, आपके पूरे फंडामेंटल फोर्स में आ जाता है, क्योंकि ये पूरा किसी पर डिपेंड नहीं है. ठीक है, किसी चीज पे भी डिपेंड नहीं है. हाँ, अर्थ के ऊपर तो किसी पे भी डिपेंड नहीं है, बाहर हो सकता है. तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद प्रॉब्लम्स. तो आप लोगों को सब कुछ पता है क्या है इनके फॉर्मुलेस क्या हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तब हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट हैं इसमें अप्लाई हो रहे हैं, फॉर्मुलेस किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं. आपके पास वक्त रहेगा अपने लिए अप्रोच करने के लिए. मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दूंगा अप्रोचिंग के लिए, बाकी आप पॉज करके इस चीज को अप्रोच कर सकते हो. ठीक है, देखिए मेरे पास जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी का एक पीडीएफ है जो कि मैंने यहाँ रखा है आपके सामने. इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका एमसीक्यूज है. यहाँ पर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो एमसीक्यूज से स्टार्ट होते हैं. बेटा देखो,
इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ही है और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर लगने वाले कॉन्सेप्ट। इधर उधर की बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है? ठीक है, देखो एक्चुअली होता क्या है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन से अर्थ इज एन अप्रोक्सीमेट स्फीयर। अर्थ क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन स्फीयर है। क्या है? एक अप्रोक्सीमेशन स्फीयर है। इफ द इंटीरियर कंटेंट मैटर विच इज नॉट ऑफ द सेम डेंसिटी, इसमें जितने भी अंदर कंटेंट के मैटर्स हैं, देखो मैं बात कर रहा हूं एक स्फीयर की और आप बस अप्रोचिंग पे जाना, आप किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन को फ्रेम करना, क्वेश्चन का एफबीडी रेडी करना, उसके बाद उसमें अप्लाई करना जो उसने पूछा है। अगर आप इस स्टेप से जाते हो तो रियल बता रहा हूं आपको दिक्कत नहीं आएगी, अप्रोचिंग पाथ एकदम सही रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है? द अर्थ इज एन अप्रोक्सीमेट स्फीयर इफ द इंटीरियर कंटेन मैटर विच इज नॉट ऑफ द सेम डेंसिटी, यानी कि अंदर जो मैटर है बेटा, अंदर के जो मैटर हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। यानी कि आप ये बोल सकते हो डेंसिटी इज नॉट सेम ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी कि जितना भी मास फैक्टर है इस पोजीशन के अंदर, इस अर्थ की सरफेस के अंदर जितने भी मास फैक्टर है, तो वो मास फैक्टर आप लोगों को पता चल रहा होगा ये अर्थ स्फीयर मैंने लिया हुआ है, ठीक है? अर्थ स्फीयर के अंदर जो भी मटेरियल है उसमें जो डेंसिटीज है वो अलग अलग है, क्वेश्चन ने गिवन किया हुआ है आपके सामने, सेम डेंसिटी फैक्टर वाली बात नहीं बोली है। एवरीवेयर देन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या पूछ रहा है? तो भैया मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, यानी कि जो जी है वो कितना होगा हर एक पॉइंट पे या फिर किसी अलग अलग पॉइंट पे, बाकी तो वो पता चलेगा मुझे ऑप्शन से बेटा, ठीक है? ऑप्शन क्या बोल रहा है, विल बी डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर बट नॉट द सेम एवरीवेयर। पहला ऑप्शन, विल बी डायरेक्ट टूवर्ड द सेंटर बट नॉट सेम एवरीवेयर, दो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, ये ऑप्शन करेक्ट होगा या नहीं होगा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर ग्रेविटी की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है, सेंटर फोर्स होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये सेंटर टू सेंटर लगता है, सेंटर टू सेंटर, कोई बॉडी है मेरे पास, ये एक छोटी बॉडी है बड़ी बॉडी है, तो सेंट्रल फोर्स है सेंटर टू सेंटर, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करता है अलग 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 पार्टिकल्स पे अलग अलग तरीके से, अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरीके से। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर जैसे पार्टिकल अलग अलग डेंसिटीज के हैं, तो अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग उनके मासेस फैक्टर अलग हो जाएंगे, तो यानी कि लगने वाला जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो यहां पर इसने बोला है विल बी द डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर बट नॉट द सेम एवरीवेयर। अगर सेंटर पे बात करते हैं तो यहां पर सेंट्रल फोर्स हो जाएगा, लेकिन यहां पर डेंसिटी डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर डेंसिटी जो फैक्टर दिया हुआ है वो डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, विल हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर बट नॉट डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, हर जगह पे सेम है, भैया डेंसिटी डिफरेंट है, डेंसिटी अलग अलग है, आपको अप्रोचिंग देखनी है, जो उन्होंने गिवन किया है आपको उसी को पकड़ के रखना है, उसको बदलना नहीं है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो उन्हीं चीजों को पकड़ के वही वही क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आपसे डेंसिटी फैक्टर पूछ लिया तो बार बार वो यही बोलेगा कि सारे मासेस को एक ही जगह पर इकट्ठा कर लिया। देखो उसने बोला है सेकंड ऑप्शन में, विल हैव द सेम वैल्यू एवरीवेयर, हर जगह पे सेम होगी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर जगह पे सेम होगी। अरे भैया क्यों सेम होगी, डेंसिटी आपने अलग अलग कर दिया डेंसिटी फैक्टर से, आपका मास के फैक्टर बदल गए, अब मास के फैक्टर के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग, बॉडी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के अकॉर्डिंग, अब आप इस जगह पे अलग हो तो किस तरीके से वेरी करें, तो यहां पर ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ठीक है? विल बी द सेम एवरीवेयर इन मैग्नीट्यूड डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, आपका मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो तो मैग्नीट्यूड तो भैया यहां पर तो अगर 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ले लेते हो तो ये यहां तक तो बात सही है कि भैया ये तो 9.8 लगना है, हर पार्टिकल पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 अंदर की तरफ लगता है, डेप्थ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन सेंटर पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो ही होता है।
अगर आप अर्थ की बात करते हो तो अर्थ के सेंटर पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे तो वो कम होता चलेगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, रेडियस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते रहते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट, यानी कि अगर मासेस डिफरेंट, आपके डेंसिटी डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि कैन नॉट बी जीरो एट एनी पॉइंट। आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता हूं। अगर डेंसिटी अलग है तो पार्टिकल की डेंसिटी मास के फैक्टर के साथ चलती है, तो डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी इज वॉट, आप यहां से ले लो, डेंसिटी इज वॉट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, जब आप मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात करते हो तो देखो, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो अर्थ का वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अर्थ का वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर जाएगी? डेंसिटी डिपेंड करेगी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास पे डिपेंड कर देगी। अगर डेंसिटी डिफरेंट है हर पोजीशन पे तो मास भी डिफरेंट है। अब मास डिफरेंट है तो हमारे पास, आपको पता है, जी का जो फॉर्मूला होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो वो डिपेंड करता है मास पे। बात समझ में आ रही है? वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो मास बदलेगा तो जी भी बदलेगा, मास बदलेगा तो यानी कि किसी भी पॉइंट पे वो जीरो नहीं होगा। तो हमारी ये तीन जो ऑप्शंस हैं, ये तीनों ऑप्शंस इनकरेक्ट है, क्योंकि तीनों ऑप्शन ये बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटेड मास एक सेंटर पे आकर के सेंट्रल फोर्स क्रिएट करता है, और उस जगह पे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होगा, और बाकी जगह पे भी एक लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर मास फैक्टर की बात करके मैंने इन चीजों को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर ये क्या था आपका? क्वेश्चन नंबर वन, ये क्या था? क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है बेटा? देखो, एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द अर्थ। अब मैं कहां खड़ा हूं? मैं ऑब्जर्वर जो है वो अर्थ पे खड़ा है, और मैं ऊपर देख रहा हूं, मैं कहीं देख रहा हूं मुझे नहीं पता। जो लाइन ये बोल रहा है उसी लाइन को मैं, इस लाइन को हाईलाइट करूंगा, मैं आपके सामने इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से देख रहा है वो, अर्थ से किसी दूरी पे देख रहा है, जैसे ये अर्थ है, क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, अर्थ से देखने की कोशिश कर रहा है, तो अर्थ से आपको देख रहा है, द सन अपीयर टू मूव। उसको क्या लग रहा है कि भैया मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं और मैं सन को देख रहा हूं, ये सन है, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, और वो कहां खड़ा है? वो यहां खड़ा है और यहां से सन की तरफ देख रहा है। ठीक है, जब वो सन की तरफ देख रहा है तो उसको क्या अपीयर हो रहा है कि सन मूव कर रहा है, सन रोटेशन कर रहा है, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मर्करी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। यानी कि अब उसने क्या ऑब्जर्वेशन बढ़ा दी, उसने क्या किया, पहले सन की तरफ देखा, सन की तरफ देखा तो उसको लगा कि सन मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो सन के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मरकरी के लिए क्वेश्चन। ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने मरकरी की तरफ देखा, उसने मरकरी को बोला कि मरकरी भी रोटेट करती है, उसने बोला फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मरकरी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। यानी कि अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूं मरकरी की, तो मरकरी भी रोटेट कर रही है अर्थ के रेस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअल में यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके थ्रू लग रहा है? आपके सन के थ्रू लग रहा है। किस पे लग रहा है? अर्थ पे लग रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो रोटेशन नजर आ रहा है वो उनको ऐसा लग रहा है, जबकि ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है कि सन रोटेट कर रहा है। अगर बात करते हैं मरकरी, तो मरकरी के रेस्पेक्ट में अर्थ की वजह से मरकरी कभी मूव नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर मास फैक्टर भी है और डिस्टेंस फैक्टर भी है, तो वो कभी भी आपको रोटेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब जिस तरीके से सन रोटेट कर रहा है उसको लग रहा है, लेकिन सन रोटेट नहीं करता है, आपको पता है सब कुछ, उसको लग रहा है कि सन रोटेट कर रहा है, तो वैसे ही मरकरी भी रोटेट करेगी अर्थ के, लेकिन अर्थ का खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उस ग्रेविटेशनल फोर्स से किसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मून को अट्रैक्ट, मरकरी को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, और मरकरी का जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से, और दूसरी बात है उसकी जो, उसका जो मास है वो भी बहुत कम है, तो यहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, जो रोटेशन रहेगा, वो किसका रहेगा? मरकरी का, सन की वजह से रहेगा, लेकिन यहां पर रोटेशन फैक्टर आपको नजर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा?
तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो मून है ओके ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जैसे मैंने कि आपको बताया कि यहां पर मरकरी का जो ऑब्जर्वेशन है, मरकरी की जो ऑब्जर्वेशन है नहीं मतलब ऑब्जर्वर की जो मरकरी तक की ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन अर्थ से किस तरीके से रिलेट होगी, वो केवल ये बोलना चाह रहा है कि भैया जैसे सन घूमता है ना वैसे मरकरी घूम रही होगी और बराबर घूम रही होगी इलिप्टिकल ऑर्डर में, जब जो भी उसका है ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहां पर जो जो पहला ऑप्शन है वो तो इनकरेक्ट है ही है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जो सेकंड वाला है नॉट बी ट्रू बिकॉज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मरकरी, नॉट बी ट्रू बिकॉज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मरकरी इज नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ। अरे भैया दुनिया में कैपलर्स बाबा बोल के गए हैं और हमारे न्यूटन बाबा ने भी बता दिया है, देखो हमारे लिए सारे बाबा हैं ये, न्यूटन बाबा ने बताया है कि भैया दो आपस में, दो बॉडीज जब आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन के थ्रू एक दूसरे पे मोशन परफॉर्म करें या फिर फोर्स लगा करके मोशन परफॉर्म करें तो ये हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ वैलिड करता है, यानी कि यहां पर नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला फंडा तो जुड़ी नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो ऑप्शन है ये भी इनकरेक्ट है। तो बेसिकली हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो क्या है, नॉट बी ट्रू बिकॉज द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ मरकरी इज ड्यू टू द सन। सिंपल है यार, ये तो एकदम समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नॉट बी ट्रू बिकॉज द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सही नहीं है, लेकिन आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स मरकरी का किस तरीके से है, वो बहुत नजदीक है तो बहुत ज्यादा है इज ड्यू टू द सन, सन के रेस्पेक्ट में इसको हम रख सकते हैं अभी उठा करके, ये सही चल रहा है एकदम। नॉट बी ट्रू बिकॉज मरकरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फोर्स, अरे फोर्स फोर्सेस अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस कौन लगाएगा, डिस्टेंस कितना ज्यादा है अर्थ से, ऑब्जर्वर अगर देख रहा है मरकरी की तरफ टेलीस्कोप से लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अर्थ अगर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स देने की कोशिश भी करता है कि भैया कि तू मेरे ग्रेविटेशनल फोर्स से मेरे अराउंड मूव करेगा तो, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी कितनी ज्यादा है वो भी आपको पता है, ठीक है। तो सन की वजह से ही ये इन्फ्लुएंस पैदा होता है और सन के अराउंड ही रोटेट करेगा, वो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है इसलिए हमें ये फील नहीं हो पाता है कि वो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इज दैट क्लियर बेटा। देखो अप्रोचिंग क्या है, देखो हमारे पास जब भी एमसीक्यूज आते हैं, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कोई वो नहीं है कि आप ये सोचो कि भैया कि ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में और ऐसा इन्हें पूछ लिया तो एज इट इज आपने टिक कर दिया कि हाँ भैया इसका आंसर ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अप्रोच करना पड़ेगा, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा क्या इसका एग्जैक्ट आंसर है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। देखो कहानी क्या होता है, जैसे अभी मान लो सपोज करो मेरे पास एक कहानी है, एक बहुत बेहतरीन कहानी है, मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरी सुनाना चालू किया, तो जब मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो मैं हर एक करेक्टर के बारे में बताऊंगा, वैसे ग्रेविटेशन भी ऐसा ही होता है, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे होते हो तो आप पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, आप सपोज करो 70% पढ़ लेते हो कि भैया हाँ ये एनसीईआरटी में 70%, लेकिन जब आप उसको ब्रीफ में डीसी पांडे से किसी और अदर एक्स्ट्रा बुक से पढ़ते हो तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में बेसिक से लेकर के आगे तक किस तरीके से लिंकअप में है ग्रेविटेशन फोर्स, जब ग्रेविटेशन चैप्टर। तो यहां पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से ही हैं बेटा, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन का जो अप्रोचिंग है हमें किस तरीके से करनी है वो हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डिफरेंट पॉइंट इन अर्थ आर एट द स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग पॉइंट पे अर्थ के, देखो भैया कहानी तो अर्थ की चल रही है तो अर्थ की बात करेंगे, अर्थ ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे हर एक अलग अलग पॉइंट पे, बहुत सारे पॉइंट बना देता हूं मैं, अलग अलग पॉइंट पे उसने क्या बोला हुआ है, डिफरेंट पॉइंट इन अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट, दिख रहा है क्या बेटा आप लोगों को, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, दिखेगा, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, मेरे पास एक अर्थ है, एक ही अर्थ है हमारे पास क्योंकि हम उसमें रहते हैं, एक ही जैसा ही, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट इन अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन,
अलग अलग पॉइंट हैं। देखो ये वाला पॉइंट सन से, जैसे सपोज करो ये सन है, सपोज करो ये सन है, और सन से अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग पॉइंट की अपनी अपनी डिस्टेंस है, सबकी अलग अलग डिस्टेंस है। यहां पर अलग पॉइंट है, यहां पर अलग पॉइंट है, यहां पर अलग पॉइंट है, यहां अलग पॉइंट है, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। वही बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन की अप्रोचिंग देखने की कोशिश करना आप लोग। देखो डिफरेंट पॉइंट इन अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हैंस एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक पार्ट अर्थ का, हर एक पार्ट अपना खुद का मास लेकर के सन से जाके बोलता है कि मेरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाओ, वो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा करके वो उसके अकॉर्डिंग चक्कर। तो यानी कि यहां पर सब मिल करके एक रोटेशन परफॉर्म देते हैं, एक रोटेशन परफॉर्मेंस देते हैं। मान लो सपोज करो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया कुछ पार्टिकल बोले मैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं अट्रैक्ट होऊंगा, तुम तो जाओ अपने हिसाब से, तो आधा पार्ट अर्थ का निकल के भाग गया और आधा पार्ट रह गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि सन से लगने वाला फोर्स हर पार्टिकल पे अपना अपना अपने अपने हिसाब से होता है। क्यों? क्योंकि मासेस फैक्टर चलते हैं। आपको पता है फोर्स, आपका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। हर एक का अपना अपना डिस्टेंस है, हर एक का अपना अपना डिस्टेंस है, हर एक का मास अलग अलग है, सबका अपना अपना मास है। जो स्मॉल मास है वो अपना है, डिस्टेंस अलग है, यहां का डिस्टेंस अलग होगा, यहां का डिस्टेंस अलग होगा, यहां का डिस्टेंस। देखो ये क्या है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस हम तो ये पढ़ लेते हैं एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, कहानी खत्म, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये बस एमसीक्यूज के एकदम एकदम लाइट क्वेश्चंस हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आगे क्या बोला है, हैंस द एक्सपीरियंस डिफरेंट फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फॉर द रिजिड बॉडी। अब एक मान के चलो रिजिड बॉडी, वी नो दैट इफ द वेरियस फोर्स एक्ट एट वेरियस पॉइंट इन इट द रिजल्टेंट मोशन इज एज इफ ना नेट फोर्स एक्ट ऑन द सीएम। सीएम का मतलब सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, कॉजिंग द ट्रांसलेशनल एंड नेट टॉर्क एट द सीएम कॉजिंग द रोटेशनल एंड एक्सिस थ्रू द सीएम, यानी सेंटर ऑफ मास फॉर द अर्थ सन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है इन्होंने, इस क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसने क्या बोला है कि हर एक पार्टिकल को पकड़ के मैं घुमा रहा हूं, हर एक पार्टिकल को मैं पकड़ के घुमा रहा हूं। तो जब मैं हर एक पार्टिकल को पकड़ के घुमा रहा हूं तो यहां पर ट्रांसलेशनल भी परफॉर्म हो रहा है और रोटेशनल भी परफॉर्म हो रहा है, यानी कि यहां पर दोनों टाइप के मोशन। देखो रोटेशन के अंदर क्या है, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है सन, और आपने जो जिस चीज को पकड़ा हुआ है वो क्या है, आपका अर्थ है। तो अर्थ का हर एक पार्टिकल को आपने पांचों उंगलियों में पकड़ा हुआ है, यानी कि पांच पार्टिकल मान के चलो, पांचों पार्टिकल को आपने पकड़ के घुमा दिया। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो सिस्टम है, यानी कि अर्थ और सन का एक सिस्टम मान लो, यानी कि अर्थ और सन, इसको आप एक सिस्टम मान लो, क्या मान लो, आप एक सिस्टम मान लो, और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करो। देखो अब कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो ट्रांसलेटरी परफॉर्म करेंगे, और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, देखो कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो भैया बोलेंगे कि हम तो चल रहे हैं, हम तो अपने हिसाब से चलते जाएंगे, और कुछ पार्टिकल रोटेटरी परफॉर्म करेंगे, कुछ ट्रांसलेटरी करेंगे, कुछ रोटेटरी करेंगे। तो रोटेटरी में क्या हो जाएगा, आपका एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और ट्रांसलेटरी में क्या आ जाएगी, आपकी लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर आपको पता है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, इसका मतलब क्या है, यहां पर अगर रेडियस कांस्टेंट है, अगर रेडियस का फंडा सेम है, तो v और ओमेगा क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट हो जाते हैं। अगर आपको रेडियस, आपको डिस्टेंस अगर मैं आपको कांस्टेंट बना देता हूं सिस्टम के अंदर, रोटेशन के अंदर, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, ओमेगा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर टॉर्क की बात कर रहा हूं ऑप्शन के अंदर। अब सीधी सी बात है यार, एक चीज रुकी हुई है, दूसरी घूम रही है, तो टॉर्क तो लगना कंपलसरी है, इसमें कोई दोहराव नहीं है। रोटेटरी मोशन बोल रहा है तो टॉर्क लगेगा, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसलेटरी मोशन की भी बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, कॉज ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की वजह से रोटेटरी मोशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहां पर हमारे पास दोनों टाइप के मोशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो हमें क्या करें, ऑप्शन देखने पड़ेंगे। जो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, टॉर्क इज जीरो। सोचने वाली बात है कि एक सिस्टम बनाया हुआ है मैंने, उस सिस्टम को मैं रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेशन के अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। दैट मींस क्या है, ये आर एफ साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 कब होगा बेटा,
ये जीरो कब होगा? ये जीरो आपका जब भी हो सकता है जब ये सिस्टम पूरा का पूरा एक ही सिस्टम को कंसीडर करके बात करें, यानी कि हम ये मान लें कि अर्थ और सन एक ही सिस्टम है और अब ये रोटेट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेंगे तो इनका जो डिस्टेंस है आर और आपके फोर्स के बीच का, आर और ट्रांसलेटरी फोर्स के बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा, और इस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो भी कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बहुत सेटिस्फाइड कर रहा है चीजों को। जो नेक्स्ट ऑप्शन है टॉर्क कॉज द अर्थ टू स्पिन, टॉर्क की वजह से अर्थ का स्पिनिंग हो रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। टॉर्क की वजह से नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है आपका, स्ट्रेट वे में लगता चला जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो टॉर्क की वजह से नहीं हो रहा, द रिजिड बॉडी रिजल्ट इन नॉट एप्लीकेबल सिंस द अर्थ इज नॉट इवन अप्रोक्सीमेटली अ रिजिड। सिंपल सी बात है, टोटल सिस्टम जो आपका अर्थ है वो टोटल सिस्टम, ये पार्टिकल के जो सिस्टम को लेकर चल रहा है वो टोटल तो रिजिड नहीं है। कुछ पार्टिकल तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे हम तो नहीं जाएंगे भैया, और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो बोलेंगे अरे भैया हमें तो जाना पड़ेगा क्योंकि भैया सीधे सीधा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो इसी तरीके से चलता जाएगा। कुछ पार्टिकल बोलेंगे हम तो नहीं जाएंगे, तो यहां पर टोटल सिस्टम वाली बात भी नहीं बोली है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही करेक्ट हो गए। टॉर्क की वजह से द अर्थ मूव अराउंड द सन, ऐसा नहीं है यार, टॉर्क की वजह से थोड़ी ना, यहां पर देखो ना एंगल ही बदल गया, एंगल 0 डिग्री हो गया। अगर सिस्टम को लेकर चल रहे हो, अगर ये पार्टिकल सिस्टम पूरा का पूरा एक सन और अर्थ एक सिस्टम लेके चल रहे हो, तो यहां पर टॉर्क इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, बिकॉज द थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री व्हेन द डिस्टेंस एंड द फोर्स बिटवीन द एंगल बिटवीन डिस्टेंस एंड द फोर्स बिकम्स 0 डिग्री। तो साइन थीटा, साइन 0 डिग्री इज वॉट, 0 डिग्री, तो टॉर्क विल बिकम वॉट, टॉर्क कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था जो हर एक छोटे छोटे सिस्टम पार्टिकल्स को लेके चल रहा था बेटा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको यहां पर ये बताने की कि हर एक सिस्टम आज पूरे अर्थ के पार्टिकल का जो नेचर होता है वो सेम नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि सब पे ग्रेविटी लग रही है तो भैया सब अपने, यहां पर ओवरऑल जो सिस्टम है वो रिजिड है लेकिन कंप्लीटली रिजिड नहीं बोल सकते। अगर ये कंप्लीटली रिजिड होता तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता, इसमें कोई धराव वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आपने वो तो देखा ही होगा कि जब हम किसी बम को फेंकते हैं तो बम क्या करता है, वो क्या हो जाता है। देखो यहां पर एक टर्म यूज हुई है डेब्रिस का मतलब होता है डिस्टिंग्विश इन स्मॉल इंटरवल ऑफ, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाए, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहां पर देखो आपको पता है कि आपने बहुत सारी मूवीज देखी है, आपने अगर आपने कोई अच्छी मूवी देखी है साइंस फिक्शन मूवी, तो मैं आपको नाम बताता हूं उसका, अगर आपने देखा हो ग्रेविटी एक मूवी, ऐसी मूवी है जो कि आपको एक्चुअल वे में लेके चला जाता है उसमें सोलर सिस्टम के अंदर, और वहां पर दिखाते हैं कि ग्रेविटी किस तरीके से एक्ट करती है। वहां पर ये चीज नजर आएगी आपको, जब सैटेलाइट जो पुरानी हो जाती हैं तो वो सैटेलाइट ग्रेविटी की वजह से अर्थ के किस में आने की कोशिश करती हैं, अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करने की कोशिश कर जाती हैं, क्योंकि जब भी वो ट्रेवल करती हैं तो जैसे ही अर्थ के एटमोसफेयर में आती हैं तो वहीं से उनका रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, अर्थ की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, और जैसे ही वो अर्थ के एनवायरनमेंट में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही वो एंटर होती हैं तो तभी उन पे एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो पानी के अंदर ये लगता है विस्कस फोर्स, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो एक मटीरियल की खुद की विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होती है, वो हमें पकड़ के रखती है, मतलब हमें आप ही बोल सकते हो टर्मिनल वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में हमें इस तरफ से पकड़ के रखती है, और वो कोशिश करती है कि बंदा नीचे ना जाए, लेकिन वो हाई डेंसिटी की वजह से नीचे चला जाता है, फिर बाद में पता चलता है ओहो इसकी तो डेंसिटी कम थी तो भैया वापस ऊपर। तो हम जब ऊपर नीचे होते हैं तो पानी का जो वाटर की जो लेयर होती है वो हमसे स्टक हो जाती है बहुत जबरदस्त तरीके से, और उससे वहां पर एक फ्रिक्शन पैदा होता है, बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही अगर मैं बात करता हूं एक सैटेलाइट की, सैटेलाइट जैसे ही किसी सिस्टम किसी एनवायरनमेंट में एंटर होती है, यानी कि अर्थ के एनवायरनमेंट में जैसे ही एंटर होती है वैसे ही वहां पर छोटे छोटे पार्टिकल्स, एयर के पार्टिकल्स उससे क्या करने लग जाते हैं, फ्रिक्शन परफॉर्म करने जाते हैं, और ये वही सिस्टम है जैसे पानी के अंदर होता है, विस्कस के अंदर भी होता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं जो मैंने आपको बस छोटी सी चीज बताई है, इस क्वेश्चन के अंदर यही कहानी है। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ हैव अ फाइनाइट लाइफ, सैटेलाइट जब अर्थ के अराउंड मूव करता है तो उसकी एक पर्टिकुलर जिंदगी होती है, फाइनाइट मतलब कि एक प्रॉपर कुछ लाइफ होती है, मतलब इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, बस फाइनाइट बोल दिया उन्होंने, कहानी खत्म कर दी, ठीक है। एंड सम टाइम डेब्रिस द अर्थ लाइट
सैटेलाइट फॉल टू द अर्थ। अब सिंपल सी बात है भैया, घूम रहा है, कहानी खत्म हो गई, अचानक से कोई आके टकराया, उन्हें अपना पाथ चेंज कर लिया और सीधा घुस गया कहां पर, आपके एटमोसफेयर के अंदर। फिर देखो क्या हो, दिस इज बिकॉज ऐसा क्यों होता है। देखो द सोलर सेल एंड बैटरीज इन सैटेलाइट रन आउट। सोलर सेल्स जो आपको पता है पंखुड़ी लगी रहती है, आपने देखा होगा विंग्स लगी होती है, फैली होती है, उनमें सोलर पैनल लगे रहते हैं, उसकी वजह से ये चलता है अर्थ, सन की लाइट। और बैटरीज, इस अगर बैटरी और सोलर सेल्स बाहर निकल जाएं, इसकी वजह से ऐसा होता है। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रेडिक्ट द ट्रेजेक्टरी स्पाइरल इनवर्ड, इसकी वजह से होता है, यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसने क्या प्रेडिक्ट किया हुआ है कि ट्रेजेक्टरी पाथ एक पर्टिकुलर होता है, मतलब ट्रेजेक्टरी इस तरीके से ये गया और खत्म हो गया, लेकिन हम तो ऑर्बिट में मूव करवा रहे हैं। आगे देखते हैं, ऑफ विस्कस फोर्स कॉजिंग द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड हैंस द हाइट ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। देखो ये वाला जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा भारी लग रहा है, क्योंकि यहां पर डेब्रिस की बात की हुई है, डेब्रिस का मतलब टूट जाना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मीनिंग नहीं पता है, इंग्लिश के अंदर आपको मीनिंग नहीं पता, तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, पर आप अपने हिसाब से आंसर देते फिरोगे। देखो चीजें जब किसी एनवायरमेंट के अंदर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, यहां पर देखो जैसे मान लो, सपोज करो ये मेरा एनवायरनमेंट है, अर्थ का एनवायरनमेंट है, आपका एटमॉस्फेयर बोल सकते हो, ठीक है, और ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट जब एंटर होगी एनवायरनमेंट में तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से टकराना स्टार्ट होंगे, और वो पार्टिकल क्या करेंगे, इसको डेब्रिस कर देंगे, यानी कि तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद पार्टिकल किसमें, ये जो सैटेलाइट है ये ब्रेक हो जाएगी बहुत सारे पार्ट के। तो यहां पर हो क्या रहा है, जब सैटेलाइट अंदर आ रही है सिस्टम के अंदर, जब सैटेलाइट एनवायरमेंट में एंटर हुई, तो यहां पर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो स्ट्रेस से स्टक होंगे और बहुत तेजी से अपवर्ड फोर्स लेंगे, जिसकी वजह से यहां पर क्या पैदा हो जाएगी, यहां पर फ्रिक्शन पैदा होगा। फ्रिक्शन किसके बीच में, द सर्फेस ऑफ सैटेलाइट एंड द सर्फेस ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, या आप जो बोल सकते हैं एनवायरमेंटल मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में एक बहुत जबरदस्त क्या होगा, एक टकराव होगा, जिसकी वजह से वो डेब्रिस होना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि टूटना स्टार्ट कर देगा। अगला जो बता रहा है, कोलिजन विद द अदर सैटेलाइट। यार कोलिजन के नाम पे क्या यार, कोलिजन का दूसरा, आपने कोई सैटेलाइट, हाँ अगर कोई सैटेलाइट इस तरीके से बना हुआ है कि भैया वो उसकी लाइफ खत्म हो गई और वो एनवायरमेंट आपके सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर रहा है, तो 101% वो किसी ना किसी सैटेलाइट से टकरा जाएगा, किसी ना किसी सैटेलाइट से टकराएगा और वो टूट के बिखर जाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहां पर जो ऑप्शन, ये जो फोर्थ का जो ऑप्शन है, आपके क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहां पर विस्कस फोर्स जैसा फंडा जुड़ रहा है। लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में ये आता है कि ये जो क्वेश्चन है ये कोई वाटर के अंदर थोड़ी ना क्वेश्चन बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की कहानी बोलनी चाहिए थी, लेकिन फंडे दोनों के दोनों सेम है, इसलिए यहां पर ऑप्शन में उन्होंने विस्कस डाल दिया। तो यही इंपॉर्टेंट है आपको सीखना इस चैप्टर के अंदर, इन क्वेश्चंस को करते हुए, कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कैसे अप्रोच करें। देखो कंफ्यूज तो हमें एमसीक्यूज ने भी किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो एमसीक्यूज का भी आया। मैंने आपको हर एक चीज बता दी कि बैटरी स्किप करने की वजह से तो ऐसा नहीं होता है, अगर मैंने किसी चीज को एनवायरमेंट के बाहर फेंक दिया और बैटरी टूट गई भैया नीचे आ गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या बोल रहा है, बोथ अर्थ एंड मून आर सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सिंपल सी बात है, एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऑफ द सन, सिंपल सी बात है, सन के, आपको पता है कि जो मून है वो भी अर्थ की ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है, पता है ना, बस आपको ये पता होना चाहिए, बस इसी के बाद आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सन द ऑर्बिट ऑफ द मून, सन से ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है वो कहां से, ऑर्बिट ऑफ द मून, मून की ऑर्बिट को डिसाइड करना है। तो देखो आपको पता है, जैसे मैं आपको यहां थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि यहां पर अर्थ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, और यहां मून है और ये रहा सन, थोड़ा सा खिचड़ी हो गया है, ठीक है, एक ही जगह पे बहुत कुछ हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि मून के नजदीक कौन है, अर्थ है, और उसके बाद कौन नजदीक है, उसके बाद तो भी ऐसा नहीं है, नजदीक तो कुछ नहीं है, बहुत दूरी है, ठीक है, इसकी दूरी भी बहुत है, डिस्टेंस इन दोनों की, तो ग्रेविटी जो इसका रोटेशन है वो ये बोलना चाह रहा है कि ये बोलना चाह रहा है कि देखो बोथ अर्थ एंड मून आर सब्जेक्टेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों के दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट है, ठीक है, ऑफ द फोर्स एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द सन
ऑर्बिट ऑफ द मून, आप ऑब्जर्व जब करोगे सन से तो ऑर्बिट क्या रहेगी मून की, मून की ऑर्बिट कभी भी सन के अराउंड नहीं रहेगी, वो ऑर्बिट कहाँ रहेगी, अर्थ के। क्यों? क्योंकि वो नजदीक है अर्थ के। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर ऑप्शन हम पढ़ेंगे तो ऑप्शन ऑप्शन जो है यहां पर फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, विल बी इलिप्टिकल। इलिप्टिकल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं इलिप्टिकल क्यों नहीं होगा, होते में हो सकता है, लेकिन आप आपको पता है, आपने पढ़ रखा, देखो आपको नॉलेज है कि भैया इलिप्टिकल तो नहीं होगा उसका। क्यों? क्योंकि सन भी लगा रहा है उस पर ग्रेविटी और अर्थ भी लगा रहा है उस पर ग्रेविटी। अगर एक पर्टिकुलर ग्रेविटी हावी हो जाए तो इलिप्टिकल ऑर्डर बन सकता है, लेकिन अगर दो दो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही पॉइंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, यानी कि आपके मून पे लग रहे हैं, तो वो एक पर्टिकुलर इलिप्टिकल ऑर्डर नहीं बनाएगा। यहां पर दो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, इस वजह से आपको एग्जैक्ट इलिप्टिकल नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन गलत है। विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज ऑफ द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। ठीक है, अब आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि सन अगर अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करवा रहा है और सन अगर मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करवा रहा है, तो एट अ टाइम दो बॉडीज जो कि अलग अलग बहुत दूरी पे हैं उन पे, तो यहां पर सेंट्रल फोर्स हुआ क्या? सेंट्रल फोर्स तो यहां लग गया ना बीच में, तो सेंट्रल फोर्स जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उसने क्या विल नॉट एक्चुअली इलिप्टिकल क्यों नहीं हुआ, देखो रीजन दिया हुआ है इलिप्टिकल क्यों नहीं है, बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। ये ऑप्शन मुझे कुछ हद तक सही लग रहा है, और आपको मैं बता दूं, देखो मुझे पता है इसका आंसर क्या है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन ये तरीका होता है इस तरीके से जाने का कि ये ऑप्शन मुझे ठीक ठीक लग रहा है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इज नॉट इलिप्टिकल बट विल नेसेसरली बी क्लोज कर्व, अगर इलिप्टिकल नहीं है तो क्लोज कर्व होगा, नो वे, क्लोज कर्व नहीं हो सकता है आपका, यानी कि इस तरीके से इलिप्टिकल भी नहीं होगा और प्रॉपर सर्कुलर भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर जरूर होगा। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो जरूरी नहीं है बट विल नॉट नेसेसरली बी क्लोज कर्व। ठीक है, यानी कि जरूरी है कि क्लोज कर्व तो होगा, सॉरी क्लोज कर्व तो होगा लेकिन इलिप्टिकल नहीं होगा। डेविएटेड कंसिडरेबली फ्रॉम बींग इलिप्टिकल ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट अदर देन अर्थ। देखियो ये क्या बोल रहा है, डेविएट करने की बात कर रहा है कि डेविएट हो जाता है, डेविएट कंसिडरेबली, कंटिन्यू डेविएट होता है, जैसे जुपिटर है, अलग अलग प्लैनेट्स है, उनके बेसिस पे भी मून पे पड़ने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उसको इलिप्टिकल होने में मजबूर करता है, इन्फ्लुएंस करता है प्लैनेट ऑन द अदर देन द अर्थ। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब इलिप्टिकल हो ही नहीं रहा है तो कहानी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो हमारे पास जब भी हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमारे पास, देखो हम जब भी सॉल्व करते हैं, हम एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास चार क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन तो वो जो हमें दिया हुआ है और तीन क्वेश्चन वो जो हमारे ऑप्शंस करेक्ट नहीं है, और ऑप्शन जब करेक्ट नहीं होते तो उनके भी कोई ना कोई आंसर्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो आप याद रखना कि एमसीक्यू से आप हर एक एमसीक्यू से आप चार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो और चार क्वेश्चन आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बेटा आप जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन का ब्रीफ दे रहा हूँ, और शायद देखो एक छोटा सा पॉइंट होता है कि जैसे आपको मैं बोलूंगा कि एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो बेटा, आप एग्जाम्पलर सॉल्व करो, तो आप लोग क्या करते हो, आप बैठे रहते हो एग्जाम्पलर, यार मन नहीं कर रहा, मन नहीं, चलो इसी बहाने मेरे थ्रू चल जाओ, मेरे थ्रू करके देख लो। देखो अप्रोचिंग अपना अलग अलग होता है, मेरा जो अप्रोचिंग है, मेरा अप्रोचिंग कुछ इसी तरीके से है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 8.6 इन आर सोलर सिस्टम, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। 8.6 को दिख रहा है आप लोगों को, आपके पास अगर आपको ये नजर नहीं आ रहा है बेटा, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल के रख लिए अपने पास बुक में, आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके सॉल्व करवा दूंगा मैं, आज मेरी दो क्लासेस हैं। ठीक है, इवनिंग में भी मेरी क्लास रहेगी तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको। इन आवर सोलर सिस्टम द इंटर प्लैनेटरी रीजन, अब आपको पता है इंटर प्लैनेटरी रीजन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटर प्लैनेटरी रीजन। इंटर प्लैनेटरी रीजन का मतलब क्या है, हमारे पास जो सोलर सिस्टम है इसमें काफी सारे प्लैनेट्स हैं, अब 9 प्लैनेट तो हम बोल नहीं सकते भाई साहब, ऐसे तो देखा जाए तो बहुत प्लैनेट आ भी गए और बहुत प्लैनेट चले भी गए। ठीक है, तो हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के बीच का जो स्पेस है इनको इंटर प्लैनेटरी रीजन बोला जाता है। ठीक है, रीजन हैज अ चंक ऑफ मैटर, अब आपको पता है चंक ऑफ मैटर का मतलब क्या हो गया, जैसे जुपिटर के इर्द गिर्द एक बहुत सारे क्या नाम है छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे सैटर्न है, सैटर्न के आसपास एक रिंग बनी हुई है, तो रिंग किसकी वजह से बनी हुई है, एस्ट्रॉइड्स की वजह से बनी हुई, यानी कि बहुत सारे मीटियोर्स एस्ट्रॉइड्स एक जगह पे इकट्ठे हैं और कंटिन्यू ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि सैटर्न के आसपास ही मूव करने वाले चंक्स हो, हमारे अर्थ के पास भी तो आ रहा था, आपको पता है
वाऊ वाऊ करके एक एस्ट्रॉयड आने वाला था, वो करीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 किलोमीटर का था, आपको पता है। आपने नहीं 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 पता तो आप उसको सर्च करिए, आपको मिलेगा। कुछ टाइम पहले आने वाला था, लेकिन हमारी ऑर्बिट से बहुत दूर से होकर गुजर गया। अभी कुछ दिन पहले की भी बात है, एक एस्ट्रॉयड आ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स हैं जो हमारे इंटर प्लानिटरी रीजन के अंदर कंटिन्यू ट्रेवल कर रहे हैं, बर्बाद है, लेकिन किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। जो बर्बाद होता है वो दूसरों को बर्बाद करता ही है, ये आपको पता है। यानी कि वो आबाद नहीं है, बर्बाद है, उनको कुछ भी नहीं है। तो 100% वो किसी ना किसी से टकराएगा और कहानी खत्म कर देगा। आगे क्या बोल रहा है, रीजन हैज अ चंक ऑफ मैटर मच स्मॉलर साइज इन कंपेयर टू प्लैनेट। सिंपल है, एस्ट्रॉइड तो हमेशा छोटे ही होते हैं, कॉल्ड एज एस्ट्रॉइड दे। अब दे कहानी तो स्टार्ट हुई है। अब देखो, ये चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से आप किसको, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि स्टेटमेंट को कंप्लीट कर दो। तो दे विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मास कंपेयर्ड टू द सन। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं और एक भी करेक्ट हो सकता है। आप खुद सोचो कि इसमें कौन सा करेक्ट हो सकता है और कौन सा इनकरेक्ट हो सकता है। देखो, विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मास कंपेयर टू द सन, ऐसा कुछ नहीं है यार। ग्रेविटी है, ग्रेविटी से अट्रैक्टेड है, सन के अराउंड भी मूव कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि वो कंप्लीटली बोल दिया विल नॉट मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव द स्मॉल मास। अरे बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड होते हैं, प्लैनेट से भी बड़े बड़े एस्ट्रॉइड होते हैं, क्या बताऊं। मतलब वो कंपैरेटिवली हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं देते। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब अगला जो है, विल मूव इन एन इरेगुलर वे बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मास एंड विल ड्रिफ्ट अवे इन टू द आउटर स्पेस। उसने क्या बोला है कि आप इरेगुलर मास के, इरेगुलर वे के, यानी कि उनका पर्टिकुलर एक वे नहीं है, एक 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 पाथ नहीं है, वो पाथ को छोड़ के छोटे छोटे मासेस हैं, इधर उधर ड्रिफ्ट कर जाते हैं आउटर स्पेस के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है यार, कौन ड्रिफ्ट करवाने वाला है उनको, कौन फोर्स लगाने वाला है उनको। भैया एक बार चलने लगे तो चलने जाए, चलते ही जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। आपको पता है ना, अगर मैंने एक किसी डायरेक्शन में किसी को छोड़ दिया तो वो उसमें जिंदगी भर, अपनी लाइफ टाइम, जब तक उसका जीवन है तब तक वो ट्रेवल करता रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। विल मूव अराउंड द सन इज क्लोज ऑर्बिट बट नॉट ओबे कैप्लर्स लॉ। कट गया क्या? विल मूव अराउंड द सन इन क्लोज ऑर्बिट बट नॉट ओबे। अरे यार, दुनिया में कैप्लर्स बोल के गया है, कैप्लर्स बोल के मर गया है। उसने बोल दिया सीधा कि सोलर सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो मेरे सारे लॉ ओबे करेंगे, वही ऑर्बिटल लॉ, एरियल लॉ और तीसरा क्या, टाइम पीरियड वाला। सबको पता है, सारे लॉज पता है, तो आप वो लॉज अपने दिमाग में डाल लीजिए। सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेटरी लॉज हैं आपके, ये सब के सब वैलिड होते हैं किसके अंदर, एस्ट्रॉइड्स के अंदर भी और छोटे छोटे चंक्स के अंदर। विल मूव इन ऑर्बिट लाइक ऑर्बिट प्लैनेट एंड ओबे द कैप। बहुत बहुत बेहतरीन, ये इसमें तो आप आंख बंद करके करेक्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। ओके, तो बने रहिए, देख आप इसको देखना, इसके बाद वाला टॉपिक है। ओके, थैंक यू।